डेली सोप्स की तुलना में टीवी पर लोग रियलिटी शोज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब भी कभी टीवी पर कोई नया रियलिटी शो आने वाला होता है तो ऑडियंस पहले से ही काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ऐसे भी कई रियलिटी शोज हैं जिन्हें देखने से अब लोगों का इंटरेस्ट कम सा होने लगा है। ऐसे में बिना देर किए हमेशा के लिए इन शोज को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको कौन से हैं वो रियलिटी शोज। नंबर एक, MTV रोडीज। MTV चैनल पर जब टीवी शो रोडीज शुरू हुआ था तो लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। कई सीजन तक लोगों ने इस शो को बड़े मन से देखा और इसके फैन हो गए, लेकिन आज ये शो बहुत से लोगों को बोरिंग लगने लगा है। इसमें पहले जैसी बात नहीं रही। नंबर दो, MTV स्प्लिट्सविला। इस शो को देखकर ऐसा लगता है कि शो चलाने के लिए जबरदस्ती का सेक्स कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है। इस शो को देखने पर अब बस एक ही बात नजर आती है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये शायद वो भी नहीं जानते। नंबर तीन, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार। बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी और करण जौहर ने मिलकर इस रियलिटी शो को लॉन्च किया था। इस रियलिटी शो के जरिए एक्टिंग का सपना देखने वाले लोगों को एक बड़ा मौका मिला था, लेकिन ये शो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। नंबर चार, नच बलिए। नच बलिए शो में टीवी के सेलिब्रिटी कपल्स हिस्सा लेते हैं और अपने डांस का टैलेंट दिखाते हैं। शुरुआत में तो ये शो खूब अच्छा चला, लेकिन अब इस शो में बहुत ही ज्यादा ड्रामा होने लगा है और अब इस शो में भी वो बात नहीं रही। नंबर पाँच, खतरों के खिलाड़ी। इस शो को शुरुआत में बॉलीवुड के एक्शन किंग कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने होस्ट किया था। तब ये शो बहुत ज्यादा पसंद किया गया और अब ये शो नकल से लगने लगा है। शो के स्टंट बेहद नकली लगते हैं। हॉलीवुड की नकल करने के चक्कर में शो बना तो दिया गया है, मगर इसके स्टंट हॉलीवुड के आगे कुछ भी नहीं। और नंबर छह, बिग बॉस। वैसे तो कलर्स टीवी का ये रियलिटी शो सबसे पॉपुलर शोज में से एक है। इस शो को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करते हैं, लेकिन शो में जिस तरह लोग लड़ते झगड़ते हैं और जिस तरह की बदतमीजी दिखाई जाती है उसे देखते हुए इसे बंद ही कर दिया जाना चाहिए।